डिक्शनरी में करप्शन लिखें तो आसिफ अली जरदारी का नाम सामने आएगा। इकामा की छतरी तले मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन सिर्फ इमरान खान ही ले सकते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात फियाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा बरादरान की जमानत में 26 नवंबर तक तौसी। नैब गिरफ्तार पहले करता है, सबूत बाद में तलाश किए जाते हैं। हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हाउसिंग स्कीम का जबरी मालिक बनाने के लिए अजीब सवालात किए जा रहे हैं। दोनों भाइयों को स्कैंडल में घसीटा जा रहा है। ख्वाजा साद रफी की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग से जो हो रहा है पीटीआई के साथ भी ऐसा ही होगा। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। नैब लाहौर ने पैरागोन सोसाइटी के अहम गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया। गवाह ने अपने तमाम तर दस्तावेजी शवाहिद के साथ तफ्तीशी ऑफिसर को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। मनशियात के खिलाफ बड़ा इकदाम, करोड़ों रुपए की मनशियात आग लगाकर जला दी। शराब की हजारों बोतलें बिलडोजर चलाकर तलब कर दी गईं। 598 किलो हेरोइन, 5848 किलो चर्स, 246 किलो अफ्यून, शराब की बोतलें, 61,043 मार्फिन के टीके और 1095 किलो भंग तलब कर दी गई। खैबर पीके के इंजीनियर्स की तर्ज पर तनख्वाहें दो, डॉक्टर्स और टीचर्स के बाद अब इंजीनियर्स भी सड़कों पर आ गए। महकमा अनहार के दफ्तर से चैरिंग क्रॉस तक रैली, पंजाब असेंबली के सामने धरना, नारेबाजी, टेक्निकल अलाउंस देने का मुतालबा, मुतालबा तस्लीम ना होने पर कलम छोड़ हड़ताल की धमकी। मैरिज ग्रांट 15,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए मुकर्रर। मुलाजमीन की वफात पर तजहीज़ो तकफीन के लिए फंड्स 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए, बेनिवोलेंट फंड को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने बेनिवोलेंट फंड की शरह में इजाफे की मंजूरी दे दी। मॉडल हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज, नारेबाजी, नैब ने सोसाइटी मालिक से रिकवरी कर ली, मुतासरीन को अदायगी नहीं की जा रही, मुजाहरीन का इल्जाम। खानदानी तनाजा या कुछ और, शादबाग में तहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात। संगदिल बेटे ने मां और तीन बहनों पर गोलियां चला दी, मां अपनी दो बेटियों समेत कत्ल, एक बेटी शदीद जख्मी। मकतूलेन की लाशें चंदशाह कब्रस्तान से मिली। जांबाग होने वाली लड़कियों की उम्रें 12 से 16 साल के दरमियान है। भाई ने फायरिंग करके तीनों को कत्ल किया, जख्मी लड़की राबिया का पुलिस को बयान। मकतूलीन के सरों पर गोलियां मारी गईं। खवातीन का कत्ल खानदानी तनाजा लगता है। मरने वाली खातून का खावंद भी चंद रोज कबल खानदानी तनाजे पर कत्ल हुआ। खावंद के कत्ल के इल्जाम में मकतूल की दो बीवियां जेल में हैं। एसपी मुआज की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू, पुलिस ने जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम हैदर और उसके साथी सजावल की तलाश जारी। एसपी सीआईए उस्मान ख्वाजा और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिशान असकर का भी जाय वकुआ का दौरा। सेनेट की दो नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए मैदान कल सजेगा। पोलिंग पंजाब असेंबली में होगी। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल का नून लीग के साउथ मजीद से मुकाबला। खवातीन की नशिस्त पर सीमी एसडी और नून लीग की सायरा अफजल तारण आमने सामने। सेनेट में कामयाबी के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, नून लीग और तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम को तलब कर लिया। इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। हमजा शहबाज की सदारत में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। PP 168 जिमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक असद खोखर के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग के उम्मीदवार राणा खालिद कादरी के कागजात भी मंजूर। हल्के के अवाम मुझ पर एतमाद करेंगे, शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, मलिक असद खोखर की गुफ्तगू। बॉलिंग ग्रुप के मेयर की क्यादत में 20 रुकनी अमरीकी वफद की लाहौर चैम्बर आमद। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद भी वफद के हमरा। वफद की सदर लाहौर चैम्बर अलमास हैदर और नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल से मुलाकात।
रोजाना वॉक करें, फास्ट फूड से परहेज करें। ज़ियाबती से आगाही का आज आलमी दिन। ज़ियाबती से बचाव के आलमी दिन पर न्यू अस्पताल में आगाही वॉक। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गौंदल समेत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। डीजी हेल्थ के जेर एहतमाम भी ज़ियाबती से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम। और नए तलबा को खुश आमदेद। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फोटो मॉन्टाज का इनेकाद। यूईटी सेशन 2018 के तलबा ने 2018 की तस्वीर बनाई। यूईटी मीडिया सोसाइटी के तहत फोटो मॉन्टाज में 1300 तलबा की शिरकत।